हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है पूजा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे पनीर का पराठा। इसको बनाना बहुत आसान है और ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हो। लेकिन मैं आपको एक यूनिक तरीका बताऊँगी जिससे कि पराठा कभी नहीं फटेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज लिए हैं, दो बड़े काट के रख दिया, और अदरक हमने कद्दूकस कर लिया, और हरी मिर्च ये साथ में है। 250 ग्राम आटा है, इसके साथ हमने हरा धनिया लिया है, बारीक काट के रख दिया है। और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। और हमने इसके साथ पनीर लिया है, पनीर जो लिया है हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। और अब हम सबसे पहले हम इसका डो लगाएंगे। तो आटे में हम नमक डालेंगे और उसके साथ हम डालेंगे 2 चम्मच, हम इसमें घी डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे पराठे बनेंगे वो खस्ते बनेंगे। और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको हल्का गुनगुने पानी से हम इसको मैश करेंगे और इसका एक परफेक्ट डो तैयार करेंगे। और जितना टाइम हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारा डो बन के तैयार हो गया है और अब हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। तो डो परफेक्ट बन गया है। अब चलते हैं, हम अपना स्टफिंग तैयार करते हैं। तो पनीर को, यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट बात, पनीर को हमने इसको मैश कर देना है ताकि जो उसका पानी है ये अच्छे से सूख जाए। तो पनीर अच्छे से मिक्स हो गया, उसके बाद हम जो भी इंग्रेडिएंट है, प्याज, हरी मिर्च और अदरक, ये सब इसमें मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पराठे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, परफेक्ट पराठे बनेंगे। और उसके बाद इसमें खूब सारा हम धनिया के पत्ते डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे, और आधा चम्मच इसमें गरम मसाला जाएगा। और इन सबको कर देंगे अब अच्छे से मिक्स। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हमारी जो स्टफिंग है ये बिल्कुल तैयार हो गई। और अब हम क्या करेंगे, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पेड़े बनाते हैं। तो हम एक लोई तोड़ देंगे और इस तरीके से इसको बेल के और इसके अंदर हम अपने स्टफिंग भरेंगे। मीडियम साइज़ में लोई तोड़ देंगे और उससे क्या होगा कि जो हमारे पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और अगर आप पतली लोई बेलते हैं तो उससे पराठा फटने का डर रहता है और मोटी तो बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगी। तो हमारी जो रोटी हमने जो बेलनी, इतना बेलना जो हमारी हथेली होती है उसके बराबर हो। अब इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे और उसको अच्छे से राउंड राउंड करके बंद कर देंगे। ये देखिए, तो 1 बड़ा चम्मच हमने स्टफिंग भर दिया और इसको राउंड करके हम भर बंद कर देंगे। तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम निकाल के हटा देंगे, उसको दोबारा यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जो नहीं तो अगर उसको रख लेते हैं तो जो उसको ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पे वो मोटा रह जाता है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी स्टफिंग नहीं आती है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो इसको बेल देते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलना है हमने ताकि पराठे ना टूटें। तो पहले इसको दबा देना, इस तरह से हल्के हाथों से बेलन से हमने इसको बेलना है। तो हमारे देखिए पराठा बिल गया है। इसी तरह हमने सारे पराठे बना के तैयार करने हैं। तो देखिए फ्रेंड, परफेक्ट पराठा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो तवे पे तेल डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर पराठा रख देंगे और इसको हम एक तरफ सिक गया, उसके बाद हम घी लगा देंगे। हम पलट पलट के इसको चेक करेंगे और दूसरी साइड भी घी लगा देंगे। ये देखिए, परफेक्ट पराठे बनके तैयार हो गए। तो इसी तरह हम सारे बनाएंगे पराठे। तो ये थे हमारे पराठे की रेसिपी। फिर मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।